Wow. Good morning. It's like 9:30. हेलो गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज़ योर फ्रेंड अमोनी राय. और गाइस, आज फिर हम लोग लाइक देर से उठ रहे हैं क्योंकि कल रात फिर मेरे एम्प्लॉयर को हो गया था वॉमिट और समथिंग लाइक दैट एट नाइट. सो इसीलिए हम लोग देर से सोए, तो हम लोग देर से उठ रहे हैं अभी. तो मैं जा रही हूँ अभी उससे उठाने के लिए. बुक कर तो अब नहीं उठ रही अभी. बोकर तो गुड मॉर्निंग माँ, तो उत्साह ले खोल हाय ओम दाईसा दाईसा कैन बेसाइड कैन जे कार में ओड. सो मैं आज बनाने जा रही हूँ लाइक ओट्स. इंडिया में हम लोग ओट्स बोलते हैं लेकिन हमारे यहाँ क्रैकर बोलते हो. तो अभी मैं क्रैकर प्रिपेयर करने के लिए जा रही हूँ क्योंकि 9:30 होने को है. उसके बाद मुझे जाना है आज क्लिनिक. It's beautiful day outside. Look at this weather. कल तो मैं भीगते भीगते बच गई थी गाइस. जैसे मैं चली गई हदार, उसके बाद सडनली इतना लाइक डार्क हुआ था ना. तो जब मैं घर वापस आई उसके बाद एक घंटे के बाद फिर से बारिश होना शुरू हो गया था. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू wash and brush my teeth. So here I am. So guys, this time we are using Garnier face wash aloe vera because I wanted to buy Himalayan neem face wash, but it was too expensive comparing to Indian currency. So I prefer to buy the cheap one. क्योंकि मुझे नहीं लगता एक्सपेंसिव वालों से कुछ फ़र्क पड़ता है फेस में. वो तो ऐसा ही रहना है, जितना भी एक्सपेंसिव यूज़ करो. तो एलोवेरा नॉट बैड. मैं जा रही हूँ किचन पकाने के लिए. ये दाईसा बोलते हैं यहाँ. दिस वन एक्चुअली आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट क्योंकि मेरे एम्प्लॉयर को इतना छोटा छोटा ग्रेन्स भी वो नहीं. क्लीनिंग दिस क्योंकि ये अच्छा ही था, ये क्लीन ही था. लेकिन मैं इसलिए ये दोबारा से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि कभी कभी भी मैं करी पकाती हूँ ना, इसमें अब और मैं अपना स्पाइस डालती हूँ इसमें. तो इसलिए क्या होता है कि इसका थोड़ा थोड़ा कभी वो स्पाइस रह जाते हैं बर्तन में. तो इसलिए मैं रिक्लीन कर रही हूँ इसे, अदरवाइज ये ऑलरेडी साफ ही था. Bit of table salt. So guys, कल रात भी हम लोग अच्छी तरह नहीं सोए हैं. लाइक
12 बजे तक हम लोग नहीं सोए थे, तो आज जाना पड़ेगा मुझे फिर से क्लिनिक। राखेल बोय लखुम। We'll check your fever first. Beside there. Normal. Beside. Slow sim basis. Beside. Tisti aksab ani noten lagdaisa. Tisti tekham ani noten lagdaisa. She need to take her medicine, which is so guys, ye raha breakfast, wo khatam kar chuki hai abhi, aur uske saath mujhe lena hoga coffee ke kuch medicines jo doctor ne prescribe kiya tha last night. तो गाइस आप लोगों ने देखा कि मेरी एम्प्लॉयर बहुत सेंसिटिव हो चुकी है अभी, लाइक वो पहुंच गई है 95, जनवरी में हो गई है, और बॉडी के एज के साथ साथ बॉडी भी बहुत कमज़ोर हो जाती है, सो इट्स नेचुरल. तो कल आप लोगों ने देखा कि कोरोना टेस्ट किया था, वो भी नेगेटिव आ गया, और उसके साथ साथ फीवर कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो बहुत वीक फील कर रही है. तो मैं जल्दी से जल्दी अभी जाऊंगी और उसके बाद रिपोर्ट लेके आना होगा मुझे, ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट, क्योंकि हम लोगों ने परसों किया था ब्लड टेस्ट. मैं वो वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि हम लोग बहुत लाइक रेस हताश में थे, तो इसलिए मैंने वीडियो कैप्चर नहीं किया. अदरवाइज नर्स आए थे हमारे घर में ब्लड टेस्ट के लिए, और वो ब्लड लेके चली गई, और आज है हमारे ब्लड टेस्ट का रिजल्ट. सो ये रहा केयरटेकर लाइफ. आप लोग पूछते हैं केयरटेकर लाइफ के बारे में, तो ऐसा है जब कोई बीमार पड़ जाते हैं एम्प्लॉयर तो बहुत लाइक एंग्जाइटी होते हैं, लाइक सभी काम डॉक्टर दिखाओ, नर्स बुलाओ, ये करो वो करो, डॉक्टर हॉस्पिटल जाओ, दवाई लेके आओ, ये सब केयरटेकर के ही अंडर में पड़ता है. अगर फैमिली साथ में है, फैमिली लाइक नेबरहुड में रहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर मेरे जैसे मेरे एम्प्लॉयर का जैसा फैमिली दूर दूर रहते हैं, मदर से फैमिली से दूर रहते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है केयरटेकर के लिए. तो ये है मेरा ड्यूटीज़, अभी जाना होगा मुझे. बात खुली हूँ, उससे पहले मैं दे दूँगी मेरे एम्प्लॉयर को दवा, और या झटपट से तैयार होके निकल जाऊँगी मैं भी. शरीर भारी भारी हो रहा है क्योंकि कल रात 12 AM तक हम लोग नहीं सोए थे, तो दैट्स द रीजन बॉडी एक कर रहा है अभी. कल ही नहीं परसों भी ऐसा ही हुआ था, कंटिन्यूसली फ्रॉम 2 days वी आर नॉट स्लीपिंग, लाइक वी आर स्लीपिंग लेट. ये रहा गरम पानी, इसमें मिलाऊंगी मैं थोड़ा सा टैप वाटर. ये रहा कॉफी के दवाई जो पानी में डालना है हम लोगों को, लेमन फ्लेवर में. रखेल अनि नोटेन लाक ट्रूफारियोलिन 20 बिल लेखा. ये डालना है
Boker Top Khatun. Boker Top Khatun. So guys, we have two cats in our house. This was ours and this is the new, our new guest. So जा रही हूँ अभी. आज दिन कुछ अच्छी तरह दिख रहा है. दिन कुछ अच्छा सा दिख रहा है. मौसम बहुत अच्छा है. आप लोग देखिए यहाँ पर कल रात इतना ज़्यादा बारिश हुआ था यहाँ पर, तो अभी भी वेट है. सो गाइस, आज मैं जा रही हूँ फिर से बाहर क्लिनिक मेरे एम्प्लॉयर के ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेने के लिए. और यहाँ से लाइक 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है घर से बाहर, तो मुझे बस नहीं लेना होता है यहाँ से. तो जा रही हूँ वापस चल के. तो हियर द मॉर्निंग व्यू इज समथिंग लाइक दिस इन माय नेबरहुड. अगर बस से जाती हूँ तो यहाँ पर वो मेरा बस स्टॉप जहाँ पर सिर्फ एक ही बस आता है, वो है नंबर 32. बिकॉज दिस इज़ नॉट अ हाईवे, ये स्मॉल स्ट्रीट है मेरे एरिया, तो यहाँ उतना ज़्यादा बस नहीं चलती है ये एरिया से. सो गाइस, ऐसा है अभी आज है 10th of February, तो आज होना होता है हमारे सैलरी जो हमारे इंश्योरेंस ऑफिस से आते हैं ना पैसा, वो आज हमारे अकाउंट में आ जाते हैं. और उसके बाद हम लोगों को जितना भी रिमाइंडिंग मनी है वो फिर हम लोगों को फैमिली पे करते हैं. तो मेरा भी अभी मैसेज आ चुका है इंश्योरेंस ऑफिस से, क्योंकि आज है 10th of February. यहाँ पर 10th of February में होता है सैलरी सभी डिपार्टमेंट के लोगों का, सिर्फ हमारे केयरटेकर का ही नहीं, सारे जितने भी गवर्नमेंट सर्विस वाले लाइक जितने भी लोग एम्प्लॉय है उन लोगों का 10th of February लाइक 10 तारीख को ही जाता है. एनी हाउ, अगर कोई प्राइवेट केयरटेकर है उन लोगों का जल्दी हो सकता है, 1 तारीख 2 तारीख हो सकते हैं, क्योंकि उन लोगों का पैसा घर से ही मिलता है, फैमिली पे करते हैं. सो उन लोगों का दैट्स वाई दे डोंट हैव टू वेट टिल द 10th of the month. और मेरा इंश्योरेंस वाला जॉब है तो मुझे वेट करना होता है हमेशा 10th, और समटाइम इट कुड बी 9, बट 10 इज द लास्ट डेट, उससे पहले नहीं होता है 9 और 10th. या सो ये रहा मेरा सुपरमार्केट. और यहाँ से जाऊँगी मैं कुपात खुली. सो गाइस, मिलते हैं बाद में. सो गाइस, अभी मैं पहुँचने ही वाली हूँ मेरे कुपात खुली में. और आप लोग देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, कुछ मिनट पहले यहाँ पर कितना धूप था, लेकिन अभी देखो यहाँ पर बारिश होने को है. तो द वेदर इज नॉट सो गुड. मुझे जल्दी जल्दी घर वापस जाना होगा क्योंकि बारिश होने को है अभी. सो यहाँ रहा मेरा क्लिनिक, मेरे एम्प्लॉयर का क्लिनिक कुपात खुली. ये साइन है कुपात खुली का, देख लीजिए आप लोग. ये रहा मेरे एम्प्लॉयर का ब्लड टेस्ट रिपोर्ट, अभी आने को है. यू कैन सी द साइन आउट हियर, द पेपर इज कॉलिंग. निकलेगा अभी ये रिपोर्ट, टेस्ट रिपोर्ट.
1 and 2 3 4 सो गाइज अभी मैंने कर लिया है ख़त्म अभी और मैंने ख़रीद लिया है दवाई साथ साथ मैंने ले लिया है मेरे एम्प्लॉयर के लिए अपॉइंटमेंट भी हो रहा संडे का दिन क्योंकि फ्राइडे लाइक मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक डॉक्टर्स दे डोंट वर्क ऑन फ्राइडे सो कल है फ्राइडे तो कल भी नहीं मिला अपॉइंटमेंट और यहाँ पर आप लोग देख सकते ओ बारिश हो गया था जब मैं अंदर थी तो बारिश हो गया था यू कैन सी आउट हियर पीपल आर टेकिंग अम्ब्रेला विद देम लेकिन मेरे पास नहीं है क्या करूँ अगर बारिश होते है तो आई वॉन्डर वाई डिन टेक माई अम्ब्रेला विथ मी ओके अभी मुझे जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा या इट वॉज रेनिंग एक्चुअली यू कैन सी द ड्रॉप ऑफ वाटर जब मैं अंदर थी तो यहाँ पर बारिश शुरू हुआ था ओ माई गुडनेस क्या करूँ मेरे पास छतरी भी नहीं है अभी सो एनीवे देख लेते हैं क्या होता है सो गाइस जल्दी जाती हूँ जल्दी से जल्दी ये रहा यहाँ का सीन वो रहा मेरा फेवरेट गाड़ी जो मुझे पसंद है हमेशा से विच इज़ इन ब्लैक कलर आई लव दैट कार जीप नॉट कार जीप जीप इन ब्लैक हे भगवान देखो ऊपर से इतना काला काला होके आ रहा है बादल ओह माय गॉड ठीक है यहाँ से धूप भी निकल रही है 50-50 नो नीड टू पैनिक ले लिया है मैंने अपना दवाई मेरे एम्प्लॉयर के लिए कफ सिरप लेके आई हूँ अभी देखते हैं क्या होता है इससे क्योंकि कल रात 12 बजे तक नहीं सोई थी वो लाइक डॉक्टर ने विजिट किया था लेकिन क्या करूँ ओल्डरली पीपल को छोटे छोटे चीज़ों से भी बहुत सेंसिटिविटी होते हैं तो हाँ सो सी यू गाइस एट होम जाती हूँ मैंने जल्दी से जल्दी क्योंकि घर पे मेरे एम्प्लॉयर है अकेली है तो मुझे अभी पाँव चलाना पड़ेगा बिग स्टेप लेना पड़ेगा अभी मुझे व्हाट अ बिजी डे और बोल दूँ कि अभी तक मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है कल की तरह कर भी गई थी विदाउट हैविंग माई ब्रेकफास्ट वो कोविड टेस्ट के वो किट खरीदने के लिए और आज भी मैंने नहीं किया है तो अभी मैं घर में जाऊँ जाके कल का वही है तरुल वही खाऊँगी ठीक है साथ में वही तरुल खा के मैं अपना रेगुलर ड्यूटी स्टार्ट करूँगी सो मिलते हैं गाइस बाद में तो पहुँच गई हूँ अभी घर washing hand as soon as I enter inside the house I have to wash my hand properly that's for sure everybody does
सो गाइस मैंने दे दिया है मेरे एम्प्लॉयर का कफिंग के लिए जो सिरप था वो दे दिया है मैंने अभी, वो दिन में 4 टाइम पीना है उसको और देखते हैं क्या होता है। और संडे को हमारे अपॉइंटमेंट है तो देखते हैं क्या होता है अभी। और फिलहाल मैं जाती हूँ ड्रेस चेंज करने के लिए। सो गाइस सी यू लेटर। सो गाइस अभी मैंने घर आके चेक किया है मेरे फ़ोन, आ चुकी है मेरा बैंक पोस्ट करेंट बैलेंस। सो यहाँ है लाइक 4130 सेकल, ये रहा मेरा इस महीने का February 10, 2022 का सैलरी। जो जितने भी पैसा है यहाँ से और जितना भी बाकी पैसा है वो फैमिली लोग देंगे, तो यहाँ पर 4130 सेकेंड मिला है मुझे आज, क्योंकि आज है 10th of February सॉरी। और बाकी पैसा फैमिली देंगे, फैमिली लोग ट्रांसफ़र कर देंगे मेरे अकाउंट में। और यहाँ का सिस्टम ये है कि जब वो लोग ट्रांसफ़र करते हैं आज, तो हमें आज ही नहीं मिलता है पैसा, तो एक दिन के बाद ही मिलता है। तो आज अगर मेरे फैमिली लोग सेंड करते हैं तो कल ही मिलेंगे मुझे। तो अभी मैं सेंड करने जा रही हूँ मेरे फैमिली को, क्योंकि इस महीने लाइक लास्ट मंथ मैं गई थी छुट्टी में 6 दिन के लिए, तो अभी मुझे डिडक्ट भी करना पड़ेगा। इस महीने मुझे मिलेगा कम सैलरी, तो 1400 समथिंग आई हैव टू डिडक्ट फ्रॉम इट। सो अभी मैं कर रही हूँ मैसेज, तो यहाँ पर मैंने कर दिया है अभी सेंड मैसेज और दिस इज लाइक आई विल ट्रांसफ़र टुडे, आई विल ट्रांसफ़र यू लेटर टुडे। सो ये रहा मेरे फैमिली से जवाब। और या आज 10 तारीख है तो मिलना ही चाहिए सैलरी। सो गाइज इज लाइक दैट। और अभी मैं करूँगी ड्रेस चेंज, उसके बाद मैं कुछ खाऊँगी पीऊँगी और मेरा रेगुलर ड्यूटीज़ मैं करने जा रही हूँ अभी। सो उस टाइम तक मैं करूँगी ये मेरा कैमरा को चार्ज, क्योंकि अभी बैटरी ख़त्म होने को है, कुछ ही परसेंट बाकी है अभी। मैं लंच करने के लिए जा रही हूँ, और लंच और ब्रेकफास्ट कुछ भी बोल सकते हैं। और यहाँ है मेरा एम्प्लॉयर पूरी तरह से अपना रिपोर्ट देखते हुए। व्हाट डू यू थिंक मा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट योर रिपोर्ट? कोलेस्ट्रॉल आई एम लुकिंग। Okay. So guys, देख सकते हैं यहाँ पर ये फूल कितने दिनों से पड़ा है, अभी तक ये हरा भरा ही है, क्योंकि इस टाइप के लिप्स ये बहुत स्ट्रांग होते हैं, यहाँ पर ड्राई नहीं होते हैं। और या बिकॉज फ्यू डेज बैक इट वॉज मदर्स डे, सो हर डॉटर सेंट दिस ब्यूटिफुल बुके फॉर हर। एंड अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, और मैंने डाल दिया है अपना लिए यहाँ पर। सो लेट मी टेक माय सिंबल तरुल आउटसाइड फ्रॉम ओवन, एंड आई नीड माय प्लेट। सब ये बहुत गर्म हो चुका है। Yeah, nice one. I have to finish all those tarul, क्योंकि यही बाकी रह गया है कल से, इतना ही है, तो मुझे ख़त्म कर देना है आज इसे। और उसके साथ मेरे पास है थोड़ा सा चटनी, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कम है। और अभी मैं प्रिपेयर करने एक कॉफी। नेक्स्ट कैफे टेस्टर चॉइस ये है इंस्टेंट कॉफी, तो मैं लगाऊंगी एक चम्मच। एक शुगर फ्री भी डाल दिया है मैंने, उसके साथ साथ मैं डालूंगी मिल्क, नॉर्मल मिल्क, क्योंकि इससे ही कलर अच्छा आता है, आलमंड मिल्क से कलर अच्छा नहीं आता है कॉफ़ी पर, तो मैं डालूंगी ये।
और उसके साथ साथ फ्रिज भी खाली पड़ा है, मुझे जाना है दुकान खरीदने के लिए, ग्रोसरी स्टोर, लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। या आई एम वेरी बिजी वुमेन राइट नाउ। और जो है वेरी रफ चटनी, सो गाइस मिलते हैं बाद में। नाउ हियर इट्स काइंड ऑफ स्टार्टेड रेनिंग, आप लोग देख सकते हो बारिश हो रहे हैं यहाँ पर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेस्ट करने के लिए। वेल मेरे एम्प्लॉयर अभी कुछ यहाँ पर कार्ड खेल रहे हैं, लाइक मैं नहीं जानती हाँ इस टाइप के गेम, ताश पत्तों खेलना, लेकिन उसे पता है, सब कुछ मालूम है। और शी लाइक्स प्लेइंग सुडोकू एंड कार्ड्स। और मैं यहाँ सोने से पहले, रेस्ट में जाने से पहले मैं ओपन करूँगी ऐसे, which would be like 24, no it's not enough, 25, 26, yeah. So जब भी हमारे यहाँ बारिश होती है तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पर पानी जमा होता है। Oh my goodness, I forgot to take my clothes out, क्योंकि वहाँ पर मैंने टांग दिया था ना, अगर ये बारिश होती है तो सारा भीग जाएगी फिर से। सो आई हैव टू टेक देम अवे फ्रॉम दिस एरिया। ये मैंने हाथ से ही धो दिया था, आप लोग देख सकते हो कुछ ज़्यादा नहीं है, तो मैंने हाथ से ही हैंड वॉश कर दिया था अभी कुछ मिनटे पहले। सो ये लोग आएंगे अंदर की तरफ क्योंकि अभी बारिश हो रही है, फिर भीग जाएगा पूरा का पूरा। गाइस अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा सा नैप लेने के लिए, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को मिलती हूँ दूसरे ब्लॉग में। तो यहाँ पर मजगान एसी चालू है, मजगान बोलते हैं एसी को, तो यहाँ पर एसी चालू है अभी और मैं भी जा रही हूँ। ये हमारा बैकग्राउंड एरिया। सो एडवांटेज ये है कि यहाँ से अच्छे फ्रेश हवा आते हैं, लेकिन मच्छर भी आते हैं यहाँ से, तो मुझे बहुत केयरफुल होना पड़ता है। जब भी मैं ये खिड़की खोलती हूँ तो मच्छर आ जाते हैं अचानक से और रात भर मुझे डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसा है गाइस, अभी जा रही हूँ कॉल करने के लिए घर में और बात करूँगी घर में, साथ साथ वीडियो भी एडिट करूँगी अब बात करके, उसके बाद फिनिश करके। सो गाइस सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड keep supporting and watching my vlog. See you in the next video. Bye bye.